हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने अल्कलाइन अर्थ मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था और उसकी जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो भी खत्म कर लिया था। आज हम लोग इनकी एनोमलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इटीसी, बहुत सारे हैं, उनकी बात कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इनकी यूजेस की पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस समझ में आती है ना। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, लेकिन लास्ट पार्ट का दो बन सकता है, ए और बी, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे जूम पे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। कृष्णा, ठीक ठीक, आज ये जितने भी लोग हैं वो सब आ जाइए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। और आप लोग भी बने रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछते रहिए, ठीक है। और मैं एक और बात बोलूंगा आप लोगों को कि साइड से जब भी सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात बता रहा हूँ, जब भी इनऑर्गेनिक पढ़िए तो साइड बुक में एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मतलब एक बार उसको रीड कीजिए, ज्यादा आपको वहां पर समझने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड कीजिए। मतलब जिस तरह से बायोलॉजी की बात करते हैं तो समझिए ना समझिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। एक बार उसको रीड कीजिए, ठीक है ना। जब एक बार रीड हो जाए ना तो फिर टाइम मिलेगा भी, तो एक बार और रीड कीजिए, ठीक है ना। तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बात समझ में आती है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम हर पॉइंट को समझते हुए, नहीं, सिर्फ रीड करना है। एनसीईआरटी का मतलब रीड करना, बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। चलिए तो आज हम लोग इनकी एनोमलस बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। नाउ स्टार्ट। एनोमलस बिहेवियर ऑफ इसका पेरेलियम, समझ में आता है ना। पेरेलियम की एनोमलस बिहेवियर, अरे जिस तरह से हर घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। एक हर घर की बात है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा होता है जिस कारण पूरा घर अनस्टेबल होता है, बात समझ में आती है। आप जान ही रहे होंगे अच्छे तरीके से। या कोई फ्रेंडशिप है, 10 फ्रेंड में एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जिसको आप लोग एक अच्छे नाम से जानते हैं, जिसको अपन के से डिनोट करते हैं। या आपके घर में कोई छोटा भाई है, उसमें देखते होंगे उसके अंदर एक आप मतलब सब में उसकी जो बिहेव होगी थोड़ी अलग होगी, बात समझ में आती है ना। यानी उसी तरह से जिस तरह से अपन ने अल्कली मेटल के अंदर लिथियम के बारे में देखा था, थोड़ी सी उसकी बिहेव अलग थी, उसी तरह बेरेलियम का भी बिहेव थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, उसकी वजह से इनकी जो बिहेवियर होती है थोड़ी सी अलग शो करता है, ठीक है ना। तो चलिए पहली हम लोग बात करते हैं कि समझिएगा थोड़ा ज्यादा, ठीक। बेरेलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड शो फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, एंड गेट्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है ना। बात समझे यहां पर, बेरिलियम क्या होता है, हद से ज्यादा छोटा होता है, यानी उसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, ठीक है ना। बिकॉज क्या कारण है, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है या आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, बात समझ में आती है ना, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से, और देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी वजह से क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये इजिली क्या करता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड आप लोग बताया गया था लास्ट अल्कली मेटल्स में भी कि जितना ज्यादा मतलब जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा वो हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। फिर उसी तरह से जो बेरिलियम होता है आपका, वो हार्डर एलिमेंट होता है, वो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट के अंदर, बात समझ में आती है ना।
तो उसको भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं सबको। आप लोग को कहीं से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ पर जितना पॉइंट्स लिखाया जा रहा है सफिशियंट है, इससे ना बाहर पढ़ने की जरूरत है और ना ही इससे कम पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। कम पढ़ते हो तो फिर आपका जो कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन है वो नहीं बन पाएगा, अगर इससे ज्यादा पढ़ते हो तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक है, इसमें क्या होता है, हमें बातों को समझना पड़ता है और जो बातें समझ रहे हैं उनको हमें याद भी रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना, बस थोड़ी सी है, ऐसा नहीं लोगों ने बना रखा है कि इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, ये गलत बात है, ठीक है ना, ऐसी नहीं है कि रटने वाला सब्जेक्ट है। हाँ देखिए, रटना का ही दूसरा नाम याद रखना है, तो याद रखिए ना, कितना अच्छा बात है, अच्छा लगा ना, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, ठीक। क्योंकि देखिए एक्सेप्शन बन रहा है, यानी इसके अंदर हमें ज्यादातर एक्सेप्शन ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, समझ रहे ना, आप भी समझदार हो और एक बोर्ड भी समझदार है, तो समझ में आ रही है ना। चलिए तो थोड़ी सी क्या है बात को समझिएगा और कंटिन्यू इनका रिवीजन करते रहना होगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर बातों को भूल जाइएगा और फिर काफी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि जो बेरिलियम है इज हार्डर देन other member of its group, यानी अपने ग्रुप का सबसे हार्डर मेंबर होता है। और थोड़ा सा आप लोग को साइड बेस से साउंड ज्यादा आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बाहर गई नहीं, ठीक है ना, ऐसे आप लोग को लगेगा कि हमारे इधर सराउंडिंग में ही कुछ हो रहा है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस बोर्ड पे फोकस कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसके अंदर जो होता है डी ऑर्बिटल नहीं होता, यानी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है, चार कोऑर्डिनेट, यानी चार कोऑर्डिनेट नंबर बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को, हालांकि ये जो बॉन्ड मैं बोल रहा हूँ ये जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़िएगा, कंपाउंड पढ़िएगा, तो उसमें बताया जाएगा अच्छे तरीके, 12 का चैप्टर, उसको हम लोग लगभग इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अपन ने एनिक इक्विलिब्रियम को खत्म किया था, ठीक है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन को भी अपन बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे विद क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब लगेगा ही नहीं कि कोई चैप्टर है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि वो हार्ड चैप्टर है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट नंबर 4, ठीक। ध्यान रखिएगा कि नॉट मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि लाइट कट गया, अभी थोड़ी सी चेंज करते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वो लाइट चला गया था। चलिए अब आते हैं अपन क्या है नेक्स्ट पॉइंट पे, कि इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा कि ऑर्बिटल होने की वजह से जो ये कोऑर्डिनेट नंबर फॉर्म करता है वो चार करता है, चार से ज्यादा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। देखो क्यों, अरे कहने का मतलब बॉन्ड समझिए ना, चार ही बॉन्ड बना पाएगा ना, क्योंकि सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहां से क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन के लिए चार ही बॉन्ड बना पाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। और आप समझते हो ना कि अगर पीरियड 2 है, ठीक है ना, तो इसके लिए एल की वैल्यू 0 और 1 होगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम ये एस हो गया और ये पी हो गया, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए
हालांकि और भी हम लोग इनकी बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की या कोऑर्डिनेट नंबर की, इसके अंदर नेक्स्ट जो अपन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इनके जो भी जितने भी ऑक्साइड ठीक है ना या हाइड्रोक्साइड होते हैं ठीक है ना, उनकी बात करते हैं। इनके जो भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं ठीक है ना, आर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं ठीक है ना, बट अदर एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना, कैसा होगा बेसिक इन नेचर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हालांकि ये भी बात समझिएगा कि ये जो होते हैं ना बेरिलियम जो होता है वो वीक बेसिक होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो क्या होता है वीक बेसिक होता है ठीक। हालांकि अपन इसको ये भी बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ये बेरिलियम, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो बेरिलियम होता है आपका ठीक है ना वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है ठीक है ना, हालांकि मैग्नीशियम करता है लेकिन हीटिंग के साथ, ठीक है ना। चलिए इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ H2O while magnesium react with boiling H2O। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये इनकी कुछ anomalous behavior है ठीक है, किसकी, बेरिलियम की। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग इनकी डायगोनल रिलेशनशिप में। देखिए ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बातों को याद रखना पड़ता है ठीक है ना, समझना पड़ता है ठीक। एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो दोबारा आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे ठीक है ना। चलिए और मैं जल्दी इनका जो है जो जितना मैं लिखा रहा हूं इनका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन उसके लिए मैं सभी को लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं ठीक है ना, तो वो प्राइवेट लिंक है, तो आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो। जितना भी लिखा हुआ आपको बोर्ड पे मिलता है वो ऑलरेडी राजीव रंजन NIDN के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट वो लॉक किया हुआ है ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर जरूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलिएगा, मैं आपको वो आपके जो भी मेल होंगे उस पर मैं कर दूंगा सेंड ठीक है ना। ओके चलिए यहां पर आते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप, कुछ और मत समझना, बिटवीन, पूरा लिख देता हूं ना क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है कहां लिखा हुआ, हालांकि मैं ऐसे जब भी लिखो तो ये इसका मतलब हो गया बिटवीन ठीक है ना, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम, बात समझ आती है। चल देखिए पहले बात तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या हुआ, जैसे यहां पर बात करते हैं पिछले क्लास में पढ़ा था लिथियम सोडियम, फिर यह हो गया मैग्नीशियम, आपने सुना होगा ये हो गया ठीक है ना, पेट मार्कर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ठीक है ना, इनका ये जो होता है ना ये वाला ये ठीक है, फिर उसके बाद ये बेरिलियम अरे एल्यूमिनियम ठीक, ये इनका ठीक, इसी को बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब इनकी और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत
सेम होती है, मतलब 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है ना। क्यों सेम होती है तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पार्किंग की जो चार्ज और इसकी रेडियस का रेशियो जो होता है वो लगभग दोनों का बराबर है। अगर वो दोनों बराबर है तो प्रॉपर्टी सेम होना बनता भी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रही है ना, चलिए ठीक। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ग्रुप नंबर है ये कैसा है, ग्रुप नंबर वन, ये ग्रुप नंबर टू और ये ग्रुप नंबर थ्री, बात समझ में आती है ना। ये कौन सा हो गया आपके पास, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड होता है, अरे बोलो, ये सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, ये सेकेंड है और ये थर्ड पीरियड है ना, आप पता होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। चलिए इनकी पहली पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है चार्ज बाय रेडियस जो लगभग होगा वो बराबर होगा, कैसा जाएगा, मतलब इसे मैं निकाल ही देता हूं, 31 पिको लगभग मेरे को याद है जो है, मतलब ओरिजिनली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो 31 पिको मीटर है, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। अब एक बात और, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, देखो मैं इनकी और इनकी रिलेशन की बात कर रहा हूं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास जब अल्कली मेटल पढ़े थे तो उसमें कर लिया था, आर नॉट रीडली अटैक बाय एसिड, ठीक है ना, एसिड के साथ ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, मतलब ये जो ऑक्साइड का जो लेयर है उनको उसके ऊपर चिपक जाता है, क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर पूरी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम पे चिपक जाने की वजह से क्या होता है, ये कोई भी एसिड इसके साथ रिएक्ट, मतलब बेरिलियम एंड एल्युमिनियम जल्दी किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्या कारण है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, उसके ऊपर क्या होता है, परत जानते हो ना, उसकी तरह चिपक जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट लिख सकते हो, हालांकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, कि बेरिलियम डिजॉल्व इन अल्कली टू गिव, ये आपका ये हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर दिया आयंस, ठीक है ना, मतलब इसको कितने बेरिलियम को चार OH ग्रुप ने घेर रखा है उसके साथ कंपाउंड, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना, तो इस जो बना इसको बोलते हैं अपन बेरिलिएट बोलते हैं ना, लिएट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बेरिलिएट नॉट बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलिएट आयन एंड फिर एल्युमिनियम भी एक तरह के बना लेता है, तो लेकिन एल्युमिनियम को अपने एक साथ लिख दे क्या, छोड़ देते हैं एल्युमिनियम को एक साथ लिखो, इसलिए मैं अलग पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है, तो लिख सकते हैं ऑल गिव एल्युमिनेट, ठीक है ना, क्या होते हैं एल्युमिनेट आयंस, क्या हो गया एल्युमिनेट आयंस, अगर एल्युमिनेट आयंस की बात करते हो तो ये जो बनाता है मैं यहां पर लिख देता हूं AlOH थ्राइस, ठीक है ना, यहां पर देखिए हालांकि कोऑर्डिनेशन क्योंकि इसका एक बॉन्ड तो खाली भी रहता है, जैसे देखो बोरॉन तो तीन बॉन्ड बनाया, एक वैकेंट है तो एक और बना भी सकता है, तो यहां पर भी क्या हो सकता है फोर बाहर से आया है, ठीक है ना, एक माइनस, ठीक,
हालांकि देखिए इस तरह का अगर कोई कंपाउंड को भी नहीं समझ में आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हालांकि बहुत सारी मतलब बहुत जगह आपको देखने को मिल रहा होगा और आप के अंदर एक मतलब दिमाग के अंदर एक खसकता रहता है ना पॉइंट कि ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इनकी जो फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की, या तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े होंगे तब बताया गया होगा, नहीं आप लोग क्या बताया गया होगा और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं खुद बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि 11th में हमारा ये चल रहा है इनऑर्गेनिक में, उस साइड में पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 अपलोड होगा, उसके बाद आप लोग के लिए केमिकल बॉन्डिंग भी उसके जस्ट बाद आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए और बस देखते रहिए। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट में बार बार बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है ना, बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा। जैसे देख एन एच एच और एच, इसके पास एक लोन पेयर है, इसी के लिए मान लीजिए एल्युमिनियम है तो क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, ये हुआ ना। तो देखिए इसका क्या होता है, ऑर्बिटल खाली है, हाइड्रोजन ऑर्बिटल खाली है ना, तो ये क्या करता है ध्यान रखिएगा, दो है दो दो चार और ये दो छह, ये क्या करता है, ये इनके साथ शेयरिंग कर लेता है, क्या करता है शेयरिंग करता है, जिसकी वजह से ध्यान रखिएगा। तो इनके बीच अब समझिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है वैकेंट होने की वजह से, ठीक, जो देता है जो लोन पे डोनेट करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लेविस बेस, और जो लेता है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, हालांकि मैंने बता भी रखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी भी आप लोगों को ना एसिड बेस में थोड़ा सा भी दिक्कत है, मैंने उसमें एक एडवांस लेवल तक कवर किया है, एसिड बेस पूरा एसिड बेस जितने भी तरह के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जितने भी मेनली 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना, उन सबको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है। अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ बेसिक्स एसिड और बेस के लिए यूज किया गया, ठीक है ना। अगर आपको ये भी पता करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं या वीक होते हैं एसिड, वीक बेस होते हैं, तो इनके लिए आपको पार्ट 3 भी देखना पड़ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो होता है ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस हमें याद रखना है, तो वहां पर सब लिखाया गया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आना, ऑर्गेनिक में ना इनऑर्गेनिक में और ना ही फिजिकल में। वेरी गुड, चलिए ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारे पास स्पेस कम है, तो देखिए ये जो दोनों होता है ना बेरिलियम, आप लोग समझिएगा, जो आपके पास बेरिलियम और एमोनियम होता है वो दोनों ही यानी बोथ हैव क्लोर ब्रिज सब्सटेंस बोलते हैं, कैसा ब्रिज सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक। तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आप समझ जाइएगा। और देखिएगा ध्यान रखिएगा, दोनों ही बोथ आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, क्या है लेविस एसिड, मतलब वो लोन पेयर को डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, बात समझ आती है ना। वेरी गुड, और एक और बात, दोनों ही क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बोथ लिख सकते हो, बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे बी एफ फोर पे माइनस, ठीक है ना, उसके बाद ए एल एफ सिक्स पे माइनस, बात समझ में आ रही है ना। अब कितना माइनस होगा, तो 3 इसके पास होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 माइनस, ठीक है ना, अरे देगा तो सुपर माइनस ही चार्ज होगा ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये थोड़ी सी हमने बात किया इनकी एनोमलस बिहेवियर, ठीक है ना, और डायगोनल रिलेशनशिप में, बस इतनी सी थोड़ी सी बात याद रखना है, ठीक है ना। मुझे पता है एक जगह प्रॉब्लम आएगा आपको यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, तो अगर आ रही है तो मैं थोड़ी सी इस चैप्टर के लास्ट में इन दोनों के बारे में अच्छे से डील कर दूंगा, या एक मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं और किस तरह से हम लोग उसके अंदर चार्ज दिखाते हैं, इन दोनों की बात करेंगे, वो 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग सब क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर 1 पे आप इसको नोट कीजिए,
चलिए हो गया। ये थी हमारी छोटी सी पॉइंट। लिखना बहुत पड़ता है ना आप लोग को, क्या कीजिएगा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो समझिए आपको मर्ज करके लिखाया जा रहा है पॉइंट्स को, ठीक। नहीं तो ओरिजिनल थ्योरी लिखेगा ना तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अगर हम पूरा लिखाने लगे तो फिर हमारे पढ़ाने और बुक में लिखा हुआ में अंतर क्या रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 100% यहाँ पर लिखा जा रहा है, बस पॉइंट्स को मर्ज करके लिखा जा रहा है, जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसे वो बोलते हो, ग्रुप सेकंड। बस समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली पॉइंट, पहला जो हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी CaO, या इसी को बोलते हैं अपन क्यूक लाइन। बस समझ आ रही है ना, क्या बोलेंगे, क्यूक लाइन। पहला CaO को बोलते हैं, फिर अभी हम लोग इसको देखेंगे कि जो क्यूक लाइन में बनता कैसे है, इन सब की यहां पर बात करेंगे, ठीक। चलिए तो पहले देखिए ध्यान से कि क्यूक लाइन बनता कैसे है। क्यूक लाइन यानी क्या होता है फॉर्मूला, CaO, ध्यान रखिएगा हमेशा, मुझे इस मार्ग से लिखता हूं, इज प्रिपेयर्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ज्यादा हीट करना पड़ता, ऑफ लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन होता है आपके पास CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हो, इन लाइम की, ठीक है ना। इसके अंदर रखने पर क्या होता है, हमारा क्यूक लाइम प्रिपेयर होता है, ठीक। एक और बात यहां पर, फिर क्रिएशन की बात करते हैं, ए स्मॉलर पीस ऑफ लाइम स्टोन आर यहां पर लिख देता हूं, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप एंड हीटिंग, एंड हीटिंग इज डन फ्रॉम लोअर्ड इन, ठीक है ना। तो यहां पर लाइम स्टोन डिकम्पोज, डिकम्पोज या डिकम्पोजेस एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टू गिव लीव कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूक लाइन, ठीक है ना। एक छोटा सा पीस लेते हैं इसका, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, बात समझिएगा, स्मॉलर द पीस ऑफ ए लाइम स्टोन, लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं, जब अपन क्या करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं किस तरह से बनाएगा, ठीक है ना। कुछ पागल लोग होते हैं ऐसे ही, क्योंकि आपको आवाज आ रही होगी,
चलिए चलिए हो गया, यहां पर हमारे पास हो गया है। कुछ कम दिमाग होते हैं लोगों के पास ऐसे, जो मतलब आवाज निकालने लगते हैं, दिमाग उनकी सटिया जाती है, मन तो ऐसे लोग करता है ना कि बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड, यहां पर आ जाइए। हम लोग क्या करते हैं कि जो कैल्शियम होता है, कार्बोनेट सॉलिड होता है हमारे पास, ठीक है, जब ये होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर देखिए सॉलिड होता है, तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सॉलिड होगा। अब प्लस में क्या करेगा, साथ ही साथ CO2 गैस, ठीक है ना, क्या करेगा CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक, टेम्परेचर ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पर एक और अगर हो सके तो आप बात में याद रखना कि डेल्टा एच की यहां पर जो वैल्यू होती है 180 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, मोल होती है, ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पसंद आते ना, क्या कीजिएगा, कुछ कुछ लोग होते हैं गधे होते हैं बैल होते हैं, दिमाग नहीं होते हैं और अपना काम इसीलिए करते रहते हैं। जरा सर हम बोलना नहीं चाहते फिर भी बोलना पड़ता है, ठीक। चलिए यहां पर आ जाइए, इनकी यूजेस की बात कर लेते, किसकी, ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब होने की वजह से मैं फिर से रिपीट मार दूं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्यूक्लाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यूक्लाइम पहला जो हमारा, इसके बाद बहुत सारे है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जब क्यूक्लाइम इज क्यूक्लाइम को प्रिपेयर करते हैं अपन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइम स्टोन इन लाइम किल के साथ, ठीक है ना, उसके बाद ये जो होता है हमारे पास एक छोटा सा लोग पीस लेते हैं किसका, लाइम स्टोन का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको हम लोग हीट देते हैं कितना, इतना 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें दे देता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इनकी यूजेस जो की है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला बात करते हैं हम लोग कि फॉर वाइट वॉशिंग वॉशिंग बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग अरे मतलब अपन दीवार को नहीं पोतते होते हैं, समझते हो ना, दीवार को कलर करते हैं तो उसमें यूज करते हैं उसके लिए। फिर फॉर मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पाउडर ग्लास कैल्शियम कार्बाइड CaC2 फार्मूला था इसका, मैं भी करवाऊंगा अभी, कैल्शियम कार्बाइड सोडा एस ATC, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो लेदर की अपन करते हैं ना ये टैनिंग वगैरह, उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक। उसके बाद हम लोग ऑफ एज अ फर्टिलाइजर, हालांकि आज तक इससे पूछा नहीं गया क्वेश्चन, फिर भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा गया वही तो इंपॉर्टेंट होता है ना, फॉर एसिडिक सॉइल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, हाँ जो उसकी इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन एज एंड एज एंड और क्या लिख सकते हो एंड इंपॉर्टेंट मेटेरियल के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं, बस समझ में आती है ना।
कोई दिक्कत है। अब थोड़ी सी हम कैल्शियम ऑक्साइड की यानी क्यूक लाइम की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि हमारे पास स्पेस अब कम बच गया है तो आप क्या करते हैं यहीं पर लिखते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं सी एनसीएल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताइए ना आपको क्या बना देगा। ये देखो क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, अरे ये क्लोरीन इसके साथ जाएगा तो सी एस सी एल टू। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एच है और वो है तो एच से क्या बनता है वाटर ही बनेगा, दूसरा तो हमारे पास चांस है नहीं। रिएक्शन आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन की बात कर सकते हैं कि जब हम लोग सी एओ का रिएक्शन एस आई ओ टू के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हीट देते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट दे देगा थोड़ा सा इधर आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, तो सी ए एस आई ओ थ्री, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीओ का रिएक्शन एस ओ टू से करवाते हैं तो सी ए एस ओ थ्री बना देता है, फिर सी ए कैल्शियम यानी क्यूक लाइन का रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ बनाते हैं। तो देखो ना यहीं पर कहा था ना हमने कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना, यानी सी ए सी टू प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। एक रिएक्शन आपको भी बनाना मैं दूंगा, सीएओ प्लस अगर NH4Cl का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास बनाता है CaCl2 plus twice NH3 फिर H2O। एक आप लोग HW में लिख लीजिएगा कि जब CO का अपन रिएक्शन P4O10 के साथ करते हैं तो क्या बनाता है, ठीक। जल्दी नोट लीजिए, हो गया। यहाँ पर जल्दी करो अगर कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा, चलिए ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि हमें ध्यान रखना है, पढ़ना है, ठीक। उसको हम क्या करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक। अगले क्लास में जो अपन डील करेंगे वो रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक और आपके पास रहेगा उसके बाद हम लोग इनके जो बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है ना, और सच में जो और भी जो इनकी यूजेस है उनको हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे। ओके थैंक यू।